ओम शांति, आप सभी का स्वागत है हमारे शो में सात्विक व्यंजन द प्योर फूड शो। हर बार की तरह आज भी हमारे साथ है हमारे प्यारे विष्णु दीदी जी, जो हमें सिखाएंगी कोई नई रेसिपी। आइए उनसे पूछते हैं। विष्णु दीदी, ओम शांति। आज जो है खास स्पेशल, सबको बहुत ही अच्छा लगने वाला जो डिश है वो हम दिखाने वाले हैं, जिसका नाम है मोदक। तो हमारी विष्णु दीदी आज हमें मोदक सिखाने वाले हैं, जो स्पेशली हिंदू फैमिलीज में गणपति बापा के आने की खुशी में होता है। हम मोदक ये स्वीट इसलिए बनाते हैं ताकि हर साल हमारे आराध्य देवत जो हमारे घर आते हैं, हमारी सारी दुख को दूर करने और सुख से खुशियों से हमारी ज़िंदगी भरने जो आते हैं, हम उनकी खुशी में ये मिठाई बनाते हैं। आइए उसके इंग्रेडिएंट्स देखते हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले जो है गुड़ रखा है, ड्राई फ्रूट रखा है, नारियल और इलायची, सच्चा घी, नमक और उसको लगने वाला आटा, चावल के आटे। तो उसको बनाने के लिए जो है हमको सबसे पहले एक कटोरी पानी इसमें गर्म करने रखना है। ये एक कटोरी पानी, चावल का जो आटा होता है उसको पहले हम जो है उसको आटा को हम जो है गर्म पानी में उसको हिलाएंगे। तो अभी हम जो ये पानी रखा है उसको थोड़ा ढक्कन लगाएंगे तो थोड़ा गर्म हो जाएगा। तो गर्म हो जाने के बाद फिर हम वो आटा जो है उसके अंदर डालेंगे और आटे के अंदर नमक जो है वो थोड़ा सा डालने का। कोई भी स्वीट पदार्थ जो होता है वो थोड़ी सी नमक पड़ता है तो उसमें टेस्ट और अच्छा आता है। तो ये गर्म पानी जो हमने यहाँ रखा है, थोड़ा गर्म हो जाने के बाद उसके अंदर जो है हम नमक जो है ना थोड़ा सा डालने का इसके अंदर पानी में। समझो एक कटोरी पानी है तो आपको इतना थोड़ा सा नमक डालने का स्वाद के लिए। और ख़ास इसको जो है हिलाने के लिए जो है वो लकड़े की चीज़ लेने का, जैसे रोटी का बेलन है तो हम जैसे उसको यूज़ करेंगे इसको हिलाने के लिए। और इसके पर ध्यान इस ज़्यादा देने का, क्योंकि आटा जो है डालते ही जो है ना वो मिक्स होता नहीं है, गट्ठा हो जाता है, कड़क हो जाता है, मिक्स नहीं होता है। तो इसको डालते समय और हिलाते समय बहुत ध्यान देने का होता है। विष्णु दीदी बोल रहे हैं कि उसमें लम्प्स फॉर्म नहीं होने चाहिए, छोटे छोटे लम्प्स या स्टफिंग्स नहीं होने चाहिए, इसीलिए आपको कोई भी वुडन स्टिरर से पानी को हिलाते रहना है। तो अभी जैसे बॉईल हो गया पानी हमारा, अभी हम जो है इसको एक कटोरी आटा जो है वो हम डालेंगे इसके अंदर और जल्दी से जल्दी हिलाने का चालू करने का। आप ऐसा थोड़ा थोड़ा भी डाल सकते हैं, जैसे अभी आप हिला रहे हैं, अगर हमको ये एक कटोरी अगर समझो हमने ले लिया तो अगर समझो हमको ऐसा लगता है कि पानी कम है और ये ज़्यादा है तो आटा थोड़ा कम करने का। हम अगर आटा ज़्यादा हो गया तो थोड़ा पानी डाल सकते हैं? नहीं, गर्म पानी करके डाल सकते हैं, ठंडा पानी नहीं डालने का। ठंडा पानी डालने से वो और गट्ठा हो जाता है। एकदम गैस स्लो रखने का और इसको बाफ, दो मिनट खाली ऐसा बाफ लगाने के लिए रखने का और उसके बाद जो है उसको निकाल के हम उसको गूंदेंगे। बना सकता, देखो अभी फिर आप ये जो चम्मच से आप ऐसे कर सकते हैं, गैस बंद करने का और ये आटे को हम निकाल लेंगे इसके अंदर। और थोड़ा सा जो है ना पानी लगाने का हाथ को, चावल का आटा जो होता है तेल यूज़ कम करने का, पानी है ना थोड़ा ज़्यादा लगाने का। तो अभी जैसे ये गरम गरम है तो आप गरम गरम को कैसे आप हाथ लगा सकोगे, तो ठंडा पानी जो है ना उसका हाथ हमको करने का और फिर ऐसा हमको जो है बनाने का। तो इसको प्लेन करने से उसका क्या होता है, हम बना सकेंगे मोदक। तो ये हमारा आटा जो है यानी उसे सॉफ्ट और स्मूथ कर देना है ताकि वो अच्छे से आपके मोल्ड में फिट हो सके। तो अभी हम जो है ये आटा बना के रख दिया यहाँ पर, अभी हम जो है मोदक का जो है मसाला बनाएंगे, जिसको हम बोलते हैं पूरन बनाने का है। तो हमको ये बर्तन दूसरा देंगे, पूरन बनाने के लिए भी जो विधि है वो बहुत ही इजी विधि है।
थोड़ा सा घी डालेंगे, जैसे भी गरम हो जाने के बाद प्योर घी में हम प्योर घी सच्चा घी जो है वो हम डालेंगे। हम ये 2 चम्मच घी डाल दिए। अभी घी गरम हो जाने के बाद फिर हम इसके अंदर जो है नारियल डालेंगे, जो ये खमण करके नारियल को जो है तोड़ के उसको खमण करके कर देना, खमण करके रखने का। तो ये सब पहले से रेडी होगा तो आपका बनना सहज हो जाएगा। अभी इसको थोड़ा सा है ना हम बुनेंगे। बुनना माना थोड़ा सा मिक्स करके थोड़ी सी ब्राउन कलर जैसे थोड़ा सा लेके आने का। तो जैसे देखो ये हमारा भी जो है कलर ब्राउन हो रहा है धीरे धीरे। अभी ब्राउन हो जाने के बाद गैस स्लो कर देने का, एकदम स्लो हो जाने के बाद फिर उसके अंदर जो है हम गुड़ डालेंगे। जो गुड़ है ना कट के रखा है ना, तो काटा हुआ गुड़ हम डालेंगे इसके अंदर। अगर आपको शक्कर जो है, शक्कर भी डाल सकते हैं, गुड़ भी डाल सकते हैं। समझो एक कटोरी है अगर हमारा नारियल है तो हम आधा कटोरी या पा कटोरी पीसी हुई शक्कर डालेंगे, पीसी हुई शक्कर डाल सकते हैं। तो ये गुड़ हम जो है इसके अंदर डाल दिया। अभी इसके अंदर जो है हम ड्राई फ्रूट भी डाल देंगे और फिर इलायची पाउडर हम डालेंगे इसके अंदर। आप देख सकते हैं बिल्कुल ही रिच क्वालिटी की डिश बन रही है यहाँ पे। ड्राई फ्रूट्स और गुड़ और बिल्कुल ही हेल्दी और बिल्कुल ही स्वीट, भगवान की याद में बहुत ही अच्छी डिश प्रिपेयर हो रही है। ये देखो हमारा पूरन अभी रेडी हो गया। तो आप देख सकते हैं अभी हमारा आटा और पूरन दोनों चीजें रेडी हो गई है। अभी हमें विष्णु दीदी बताएंगे कि उसे मोल्ड में डाल के कैसे फाइनली प्रिपेयर किया जाता है। तो ये जो है बाजार में ये मिलता है हमको साचा। तो अभी इसके अंदर जो है हम घी लगाएंगे इसके अंदर। ये जो डिजाइन है ना वो डिजाइन के अंदर जो है हम घी लगाएंगे ताकि वो आटा बराबर से फिट हो जाए। और फिर इसके अंदर जो है ऐसे गोल गोल करके और इसके अंदर जो है हमको डाल देना है ऐसा। फिर हम जो है इसके अंदर जो है ये निकाल के, ये जो है अंदर है ना थोड़ा दबाने का है, जैसे ये होल है ना वो होल के ऐसी साइड सारा सब दबाने का है ऐसा। इसके लिए क्योंकि उसकी जो डिजाइन है ना जो वो बराबर से फिट होनी हाँ, चाहिए, फिट हो जाए बराबर से आटे पर भी वो डिजाइन आनी चाहिए। हम मोल्ड का यूज इसलिए करते हैं ताकि वो जो स्वीट है वो बिल्कुल ही आपको ऐसे लगे जैसे बाजार में मिलती हो, बिल्कुल ही रेडीमेड, इसलिए हम मोल्ड का इस्तेमाल करते हैं। अभी ये जो है ना होल हो गया। अभी ये होल के अंदर जो है ना हम इसके अंदर होल नहीं ये जो है हम इसके अंदर डाल देंगे। जैसे हमने इसके अंदर डाल दिया अभी इसको बंद कर देंगे। अभी हमको धीरे धीरे जो है इसको खोलना है। ये देखो एक एक सांचा जो है हमको खोलते जाना है। ये हमारा मोदक यहाँ पर रेडी हो गया। तो आप देख सकते हैं कितना सुंदर और प्यारा लग रहा है ये मोदक। और ऐसा ही सेम समझो अगर सांचा नहीं है, सांचा नहीं है तो आप सांचे के बिगर भी बना सकते हैं। ऐसे जरूरी नहीं है कि आपको सांचे की ही जरूरत है, अपने को तो मोदक बनाना है। तो ऐसी घर में भी जो है हम ऐसा आटे को जो है ऐसा ऐसा करने का। ये आटे को ऐसा करने के बाद फिर हम जो है इसके अंदर पूरन जो है बनाया हुआ वो डाल देने का अंदर। इसको जो है हाथ थोड़ा सा पानी वाला बनाने का क्योंकि मोल्ड करने में सहज हो जाती है। तो जैसे ये हम जो है ये देखो ये हम मोल्ड कर दिया। ऐसा जो है हम बना सकते हैं। दूसरा और भी एक
जो हम सांचे के जैसे बनाते हैं ना, वो डिजाइन भी हम बना सकते हैं, वो भी आपको दिखाते हैं। तो ये ऑप्शंस दिखा रहे हैं हमें आपको अलग अलग विष्णु दीदी, जिसे वो करना है, उसे बेलना है पहले? नहीं, इसे हाथ से ही करने का, क्योंकि वो बेलने से उसकी जो है वो चिटक जाएगा पाटले में और हाथ में हमारा इजी हो जाता है। ये जो है फटाफट, जैसे अपन कचौरी बनाते हैं ना, बिल्कुल तो कचौरी भी ऐसे ही भरा जाता है। अब ये जो है ना, इसको पहले ऐसे सेप देने का सब जगह पर, चिटके तो उसको पानी लगा लेने का। अब ये सेप जो है ना, ऐसा हमको बंद कर देने का। ये देखो कैसे डिजाइन जो है उसका बनता जाएगा। यह हमारा डिजाइन, हाथ वाला डिजाइन का मोदक। आप देख सकते हैं विष्णु दीदी ने अपने हाथों से कितना सुंदर और कितने अच्छे से इसे बनाया है। अभी ये मोदक बन जाने के बाद जो है, हम एक बर्तन लेंगे जिसमें हम पानी डाल के छन्नी रखा हुआ है, छन्नी में जो है थोड़ा सा घी लगाने का जो अपना चिटके नहीं, और उसके अंदर जो है ये मोदक बॉईल करने के लिए रख देने का। ऐसी वेराइटी टाइप से बॉईल करते हैं, कई जो है कपड़ा रखते हैं उसके अंदर, कपड़ा रख के और बॉईल करने रखते हैं, कोई केले का पान रखते हैं बॉईल करने के उसमें, तो पान के अंदर भी ऐसे रख के बॉईल कर सकते हैं। तो अभी जैसे ये हमने ये रखा, तो कम से कम 3 से 4-5 मिनट तक जो है वो हमको रखने का, और 2 मिनट में भी उसका वो पक जाता है, क्योंकि हमने पहले आटे को पका दिया है। सब रेडी है, तो हम 2 मिनट में भी हम जो है इसको मैक्सिमम 3 मिनट, हाँ 2 मिनट तक तो आपका हो ही जाना चाहिए। जैसे अभी 2 मिनट हो गया है, ये देखो हमारा मोदक ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। तो अभी ऐसे पीस लेने का, एंड हर बार की तरह इट्स टाइम फॉर मी टू टेस्ट। ये जो मोदक है ना, गरम गरम भी खा सकते हैं और ठंडा करके भी खा सकते हैं। तो अभी ये जो मोदक है हमारा रेडी हो गया है, अभी हम जो है इसको तुमको हर बार की तरह, लेकिन आज मैं परमात्मा के साथ गणपति बाप्पा को भी याद करके ये खाऊंगी। तो ये जो है, तो सबसे पहले ये गरम है थोड़ा सा। गणपति बाप्पा मोरिया। बिल्कुल ही हमारे गणपति बापा की तरह स्वीट, टेस्टी और बहुत ही प्यारा बना है। मैं चाहूंगी कि आप सब ये इसे ट्राई करें। हमारे पास मोदक की और कई सारी रेसिपीज है इसे, और कई अलग अलग तरीकों से बनाया जाता है। आप हमें लिखिए, अपने मैसेजेस भेजिए, अपने ईमेल्स भेजिए, हम खुशी खुशी उसका रिप्लाई करेंगे और आपके लिए और नई नई रेसिपीज ऐसे लाते रहेंगे। ओम शांति। ओम शांति।